हाजिर है एक और मज़ेदार रेसिपी लेके आपके साथ, जो है रशियन सैलेड की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। साथ साथ मैं आपको बीच में बताती रहूँगी टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका जिससे हमने रेसिपी तैयार की है। रशियन सैलेड लोगों को लगता है अमूमन के एक्सपेंसिव है, लेकिन मैंने जिस तरीके से बनाया है मैं आपको बताती हूँ, नॉमिनल है, आप भी इसको अफोर्ड कर सकेंगे। तो चलें तैयार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली हैं वेजिटेबल्स जैसे मटर, आलू और गाजर, इनको मैंने कर लिया है बॉयल, ठीक है जी। और उसके अलावा मैंने कटिंग की है कुछ फ्रूट्स की जो कि डलते हैं। अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ इसकी रेसिपी बनाना। हम बहुत जल्दी क्विक क्विक दिखाते हैं ताकि आपका टाइम कम लगे और आप जो है वो जल्दी सीख जाए। सबसे पहले आपने एक सर्विंग बाउल लेना है और उस बाउल के अंदर मैंने डाली है मेयोनीज। याद रहे कि मैं एक सिंगल सर्विंग आपको दिखा रही हूँ, सिंगल सर्विंग की रेसिपी है। हमने मेयोनीज डाला और सर्विंग बाउल में, और उसके बाद मैंने ऐड की है फ्रेश क्रीम, ठीक है। हैवी क्रीम लीजिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद हमने ऐड की है आधा चम्मच चीनी, चुटकी भर ब्लैक पेपर और चुटकी भर ही नमक हमने ऐड किया है। अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है वो स्टिर करेंगे जब तक ये सारी चीज़ें यकजान नहीं हो जाती। ये हो गया है हमारा बैटर रेडी। अब इस बैटर के अंदर हमें जो है आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और बहुत जल्दी झटपट मिनटों में हमारी तैयार हो जाएगी रशियन सैलेड। जो चीज़ें हमने बॉईल की थी वेजिटेबल्स, उन वेजिटेबल्स को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद हम उनको यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाले हैं बॉइल्ड पीस, वो मैंने सबसे पहले इसके अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद फिर मैंने ऐड किया है इसके अंदर क्यूब्स में कटे हुए एप्पल्स। अगर एप्पल्स एक ही सब आप तरीके से काटिएगा। उसके बाद फिर मैंने बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं, उबले हुए आलू, इनको एक ही क्यूब्स में एक ही तरीके से जो है वो कट किया है। उसके बाद फिर गाजरें भी बॉईल करके मैंने डाली हैं, ये भी छोटे छोटे इस तरह पीसेस में किए हैं हम लोगों ने। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इस रेसिपी की जान है वो है पाइनएप्पल चंक्स। तो पाइनएप्पल चंक्स मैंने ऐड किए हैं, दैट्स इट। और अब हम लोग इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और फिर मैं आपको बताऊंगी कि लास्टली हमने क्या करना है। जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आप देखिए ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बहुत इजी आपके सामने झटपट ये रेसिपी हुई है रेडी। बहुत इजी रेसिपी है, इसको घर में ट्राई करिएगा। और आखिरी में जो मैंने आपको बताया था एक ज़बरदस्त सी चीज़ ऐडूँगी वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद है, जैसे मैंने आमंड्स ऐड किए हैं, बादाम, आप किशमिश भी ऐड कर सकते हैं आमंड्स के साथ। मुझे किशमिश नहीं पसंद थी इसलिए मैंने ऐड नहीं की है। आमंड्स भी बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन बॉइल्ड नहीं, एज इट इज़ आपने डालने हैं। तो ये थी जी आज की रेसिपी हमारी, उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पाइनएप्पल जो हैं वो बहुत ही नॉमिनल आपको मिल जाएंगे इम्तियाज़ स्टोर से, इसका टेन अगर आपको बनाने हैं। और यही मैंने आपको बताया था कि यही ट्रिक्स हैं, इसके अलावा सब चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, तो बहुत ही नॉमिनल आपको पड़ेगा। ये सिर्फ सिंगल सर्विंग है जो कि मैंने बनाई है, आप भी इसको ट्राई करिएगा अपना ख्याल, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि और आपके घर में मौजूद नहीं होगा। रेगुलर फ्रूट्स हैं और जस्ट वेजिटेबल्स हैं, तो मेन चीज़ जो है वो मैंने आपको बता दी है। आप वो टिन लाके इसको ज़रूर बनाइएगा, और कोई भी दावत है आपके घर में तो ये बेसिकली दावतों की जान है, इससे आपकी दावत जो है वो बहुत ज़्यादा उठ जाती है और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये अमूमन हर बंदे को ही अच्छी लगती है, बच्चे भी और बड़े भी सब शौक से खाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।